आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। भारतीय किसान यूनियन ने रामपुर में शहीदों का मुद्दा उठाया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की मांग की। किसान यूनियन ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी। किसानों ने कहा कि जो जवान शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनके गांव को भी शहीदी का दर्जा देकर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। वहीं किसानों ने मांग की कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी जाए। मेरा नाम अंशुल सिंह है और मैं स्टाफ नर्स की पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। पिछले नवंबर 2015 से TNM एक संस्था है जिसके अंडर में हम मुख्य चिकित्सालय रामपुर में सब अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कल शाम 7 बजे से हमारे निरस्तीकरण के लेटर सबकी मेल आईडी पर भेज दिए गए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सरकार से, अपने जिला चिकित्सालय रामपुर के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके संज्ञान में था कि हम लोगों को निकाला जा रहा है या नहीं। अगर ये सरकार की नीति है तो हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं। अभी हमने ये एप्लीकेशन हमने लिखी, इसमें ना तो कोई धरना है ना प्रदर्शन है, सिर्फ एक अपने अधिकारियों को अवगत कराना था, जिसमें मेट्रन ने साइन कर दिए हैं, मैनेजर ने साइन कर दिए हैं, लेकिन CMS अपने ऑफिस से हमारे सामने ही भाग गए और जाके नीचे कह रहे हैं कि मैं सबको अभी निरस्त कर रहा हूँ, सबके लेटर इशू करवा रहे हैं। क्या यही एक मान सम्मान रह गया है यहाँ पर किसी कर्मचारी का? 4 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों को संविदा कर्मियों को अगर निकाला जा रहा है तो नई वैकेंसियाँ 10-10, 20-20 हज़ार नई वैकेंसियाँ सरकार लागू क्यों कर रही है? जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं? अब आपको निकाल दिया गया है, अगला कदम सरकार के खिलाफ क्या? अगला कदम हमारा यह है कि हम यहाँ से CMO साहब के पास, DM साहब के पास जा रहे हैं। 55 जिले हमारे साथ हैं, 55 जिलों में ये टीम काम कर रही है। 55 जिलों की टीम हम लोगों के साथ है। अगर लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई तो हम लोग करेंगे, अगर यहाँ भी करना हुआ तो हम करेंगे। और CMS के खिलाफ हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर हमारे आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ लखनऊ तक पहुंच रही है तो ऐसे निकम्मे CMS के खिलाफ कार्रवाई हो जो एक एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए भी वो हमारी एप्लीकेशन फेंक दी। हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि वो किस तरीके से भागे हैं नीचे, किस तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन फेंकी है हमारी। और अभी आभार ये खबर अभद्र भाषा में हमसे बात करी और अभी खबर ये आई है कि जो 5 जन या 3 जन जो भी वहाँ पर बात करने गए थे उन लोगों के निरस्तीकरण के लेटर वो अंदर इशू करवा रहे हैं।